हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से फिलहाल मैं आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसके ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स और उसमें से पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंटेंट को मूव होने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो शॉर्ट में हम देखते हैं ट्री ट्रैवर्सल, एक्चुअली बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल कौन कौन से टेक्निक्स है जिसमें से हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टेक्निक है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक, जिसके टाइप्स होते हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, जो कि डिपेंड होते हैं पोजीशन ऑफ रूट नोड। रूट नोड की पोजीशन पे ये टाइप डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर रूट नोड का पोजीशन प्री, दैट इज बिफोर लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड हो तो उसको प्री ऑर्डर बोलते हैं। अगर रूट नोड की पोजीशन इन बिटवीन होती है लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड के बीच में अगर होती है तो उसको इन ऑर्डर बोलते हैं, और अगर लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड के बाद में होती है तो उसको पोस्ट ऑर्डर बोलते हैं। ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिए, यू विल फाइंड आउट द लिस्ट, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा वीडियो आपको देखना है जिसके साथ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा जो टाइप है ट्री ट्रैवर्सल का वो होता है ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक। ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक जो होता है वो लेवल वाइज हम ट्रैवर्स करते हैं बाइनरी ट्री को, इसलिए इसको ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पे। तो ये हो गया आपका बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, जिसमें से हम देख रहे हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, जिसमें हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद राइट, और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है रूट नोड। तो शॉर्ट में मैं आपको ग्राफिकली पिक्टोरियली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सबसे पहले लेफ्ट, देन आपको राइट को जाना है, फिर से अगर उसको लेफ्ट है तो फिर से आपको लेफ्ट को जाना है, अगर फिर से उसी लेफ्ट नोड को रूट बना के उसको राइट है तो फिर से आपको उसके राइट को जाना है, और एट द एंड आपको रूट नोड ट्रैवर्स करना है। यही प्रोसेस मैं इस स्लाइड पे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको रूट नोड से स्टार्ट करना है। रूट नोड को स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो आपको लेफ्ट चाइल्ड को स्टेप डाउन होना है। लेफ्ट चाइल्ड को स्टेप डाउन होने के बाद आपको यही रूट नोड है ऐसे कंसिडर करके फिर से चेक करना है कि उस रूट नोड को लेफ्ट चाइल्ड फिर से प्रेजेंट है या नहीं। लेट्स कंसिडर उसको रूट नोड, अभी इस करंट नोड को लेफ्ट चाइल्ड है तो फिर से लेफ्ट चाइल्ड को मूव होना है। यही आपको कंसिस्टेंटली करते जाना है टिल आप जब तक लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को रीच नहीं हो जाते। तो चलो मान लो अभी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को आप रीच हो गए तो उसको प्रोसेस कर देना है और आपको राइट चाइल्ड को मूव हो जाना है, अगर राइट चाइल्ड है तो सॉरी उसको प्रोसेस नहीं करना है, आपको राइट चाइल्ड को सबसे पहले मूव होना है, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, रूट को हमें सबसे लास्ट में प्रोसेस करना है। तो अगर राइट चाइल्ड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमें राइट चाइल्ड को मूव हो जाना है। राइट चाइल्ड को मूव होने के बाद आपको क्या चेक करना है, फिर से राइट चाइल्ड को रूट नोड बना के आपको फिर से चेक करना है कि उसी करंट रूट को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। लेट्स कंसीडर उसको लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें फिर से लेफ्ट को मूव होना है, फिर से उसको रूट नोड बनाना है, फिर से हमें चेक करना है लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, अगर है तो फिर से हमें लेफ्ट को जाना है, नहीं तो हमें राइट चाइल्ड चेक करना है, अगर है तो राइट को मूव होना है, राइट को मूव होने के बाद फिर से हमें उसको रूट नोड बना के चेक करना है लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो फिर उसका राइट देखना है, अगर राइट भी नहीं है तो सबसे लास्ट में हमें रूट नोड को प्रोसेस कर लेना है।
उसके लिए हमें रूट नोड को रिटर्न आना पड़ेगा। रूट नोड को रिटर्न आने के बाद हमें उस रूट नोड को यहाँ पे प्रोसेस करना है। रूट नोड को प्रोसेस करने के बाद ये कंप्लीट होता है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। यही सारी चीजें मैं आपको इस एग्जांपल सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो ए है आपका रूट नोड, बी है आपका लेफ्ट चाइल्ड और सी है आपका राइट चाइल्ड। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले लेफ्ट अगर है तो उसको जाके उसको प्रोसेस कर लेना है, उसके बाद हमें राइट को जाना है, उसको जाके राइट को जाके उसको प्रोसेस कर लेना है, और सबसे लास्ट में हमें रूट नोड को प्रोसेस करना है। तो ये हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल एक छोटे से एग्जांपल के लिए। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देखते हैं अभी उसको कैसे ट्रैवर्स करना है। यहाँ पे नीचे मैं आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का ऑर्डर दिखाने वाली हूँ, और हम सबसे पहले जो है वो रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। तो ये हम रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा रूट नोड, ये होल ट्री हम कंसिडर करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं उसको लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारी टू चेक अ लेफ्ट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक 10 को लेफ्ट चाइल्ड है, इसलिए हम उसको स्टेप डाउन कर लेंगे। तो अभी मेरा 20 जो है वो रूट नोड बन जाता है। 20 रूट नोड बनने के बाद यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो मेरा फर्स्ट कंडीशन चेक करना है, उसको लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। हाँ, उसको लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लेफ्ट तो नहीं है, तो हमें चेक करना है अभी करंट रूट नोड को राइट चाइल्ड है या नहीं। तो हमारा स्टेप नंबर 2 है राइट चाइल्ड हमें चेक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 20 को राइट चाइल्ड है, इसलिए हम राइट चाइल्ड को मूव हो जाएंगे, स्टेप डाउन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 का राइट चाइल्ड है 30, और उसको स्टेप डाउन करके उसको रूट नोड बना लिया। अभी उसको रूट नोड बनाने के बाद फिर से हमें चेक करना है 30 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। अब तक आप देख सकते हो कि हम रूट नोड के प्रोसेसिंग तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट नोड है या नहीं, लेफ्ट नहीं है तो राइट है या नहीं। अभी राइट को मूव होने के बाद फिर से उसको रूट नोड बनाने के बाद फिर से हमें चेक करना है उसको लेफ्ट नोड है या नहीं, तो लेफ्ट चाइल्ड है, इसलिए हमें चेक करने के बाद उसको स्टेप डाउन होके उसी को रूट नोड बनाना है। अभी आप देख सकते हो कि 50 को अगर मैं रूट नोड बनाती हूँ तो उसको लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, उसको लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। नाउ इट्स टर्न टू चेक राइट चाइल्ड। आपको राइट चाइल्ड सबसे पहले देखना है, राइट चाइल्ड है या नहीं, राइट चाइल्ड नहीं है। तो अभी लास्ट में हमारी सबसे लास्ट में बारी है रूट नोड को प्रोसेस करने की। तो यहाँ पे मैं ये रूट नोड दैट इज 50 को प्रोसेस कर रही हूँ। ये होगा लेफ्ट चाइल्ड चेकिंग, नो लेफ्ट चाइल्ड इज प्रेजेंट। ये होगा राइट चाइल्ड चेकिंग, फिर से राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस नोड। प्रोसेसिंग ऑफ नोड मतलब हमें वो नोड का इन्फॉर्मेशन पार्ट डिस्प्ले करना है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से 30 पे रिटर्न जाना है। 30 पे रिटर्न जाने के बाद हमें फिर से इसको रूट नोड बना के, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 30 अगर रूट नोड है तो उसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है, लेफ्ट चाइल्ड प्रोसेस हो चुका है। अभी हमें कहाँ पे जाना है, अभी हमें राइट पे जाना है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो हम नेक्स्ट वाला कंडीशन चेक करेंगे कि राइट चाइल्ड है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 को राइट चाइल्ड है, तो हमें 30 के राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होना है। अभी हमें 60 को रूट नोड बनाना है, 60 के लेफ्ट चाइल्ड को चेक करना है जो कि नहीं है, 60 के राइट चाइल्ड को चेक करना है जो भी नहीं है, इसलिए हमें रूट नोड को प्रोसेस कर लेना है। प्रोसेसिंग ऑफ रूट नोड, ये इसका मतलब है हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी डिस्प्ले करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरा 30 रूट नोड है तो उसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस करके हो चुका है, राइट सब ट्री राइट चाइल्ड सब प्रोसेस करके हुआ है, और अभी हमारी बारी है उसके रूट नोड को प्रोसेस करने की। इसलिए हम फिर से रूट नोड को जाएंगे, 30 को रूट नोड बना के हमें अभी 30 को प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 30 को प्रोसेस कर लिया है। अभी हम कहाँ पे रिटर्न जाएंगे, अभी आप देख सकते हो अगर 30 का पेरेंट नोड है 20 अगर आप देखते हो तो 20 का लेफ्ट
सब ट्री जो था नहीं, इसलिए उसका प्रोसेसिंग का क्वेश्चन ही नहीं आता है। राइट चाइल्ड था, राइट सब ट्री था, तो राइट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, 20 को प्रोसेस करना है। तो ये देखो हम 20 पे रिटर्न आ गए, 20 को रूट नोड बना के उसको हमें अभी प्रोसेस करना है। 20 को प्रोसेस करने के बाद, उसको डिस्प्ले करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, अभी आप देख सकते हो, अगर हम फिर से ऊपर जाते हैं मतलब कि 20 के पैरेंट नोड को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर रिटर्निंग बैक टू 10 एज अ पैरेंट नोड। उसके बाद आप देख सकते हो इस होल ट्री में से 10 के लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करके हमने उसको ट्रैवर्स कर लिया है। अभी किसकी बारी है, तो अभी उसके राइट चाइल्ड की बारी है, तो चेक करना है कि उसको राइट चाइल्ड है या नहीं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि 10 को राइट चाइल्ड है, इसलिए हमें स्टेप डाउन होना है 10 के राइट चाइल्ड को। अभी 10 के राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होने के बाद आपको 40 को रूट नोड बनाना है, और 40 को रूट नोड बनाने के बाद आपको चेक करना है 40 का लेफ्ट चाइल्ड है नहीं है, 40 को राइट चाइल्ड है वो भी नहीं है, तो फिर हमें प्रोसेस करना है रूट नोड 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 40 को भी प्रोसेस कर लिया। अभी आपको क्या करना है, अभी फिर से उसके पेरेंट के पास जाना है, क्योंकि 10 अगर पेरेंट नोड है तो 10 के एज अ पेरेंट नोड लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हुआ है, राइट सब ट्री प्रोसेस हुआ है, तो अभी किसका टर्न है, उसके खुद का, दैट इज रूट नोड के प्रोसेसिंग का। सो हम 10 पे रिटर्न आ गए हैं, और अभी हमें क्या करना है, हमें रूट नोड को प्रोसेस करना है। तो ये देखो मैंने रूट नोड को प्रोसेस कर लिया। सो एट द एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे नोड हमारे प्रोसेस हो चुके हैं, जिसपे हमने सिक्वेंस और ऑर्डरिंग अप्लाई की है, जो है लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट, देन उसके बाद राइट सब ट्री, एंड सबसे लास्ट में हमारा रूट नोड। तो ये हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री। तो आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल गई है, समझ में आ गई है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोज और उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप कमेंट देना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, मैं उस क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपके लिए शॉर्टकट लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आपको हेल्प करेगा तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। Stay tuned with Tech Talks. Happy learning, happy data structuring. Thank you.